आरएसएस क्या है? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना आखिर कौन चाहता है? क्या आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक कोरी कल्पना है जिसका वास्तव में कोई आधार नहीं है? इस चीज़ को समझने के लिए हमें आज से तकरीबन 94 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर सन 1925 को होती है। आरएसएस आज विश्व का एक सबसे बड़ा हिंदू स्वयंसेवी संगठन है, लेकिन क्या इस बात के पीछे कोई वास्तविक वस्तुनिष्ठ तर्क है जिससे इसे समझा जा सके कि ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? इसकी कहानी वैसे तो सन 632 में शुरू होती है, जब पैगंबर मुहम्मद साहब का निधन हुआ और उनके निधन के बाद इस्लाम की सत्ता खलीफाओं के हाथ में चली गई। खलीफा जो कि इस्लामिक सत्ता के धार्मिक प्रमुख हुआ करते थे, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस्लाम को सही तरीके से चलाने की, कुरान की ठीक व्याख्या करने की, अल्लाह के दिखाए गए रास्ते जिन्हें पैगंबर साहब ने आगे बढ़ाया उनको और मजबूत कैसे बनाया जाए ये बताने की। शुरुआत के 4 खलीफाओं ने अपना काम बखूबी किया, लेकिन धीरे धीरे इस्लामिक सत्ता धार्मिक प्रधान से राजनीतिक प्रधान लोगों के पास चली गई। एक दौर ऐसा भी आया जब खलीफा अरब से ना होकर के तुर्की से होने लगे, और एक लंबे समय तक तुर्की के खलीफाओं ने अरब की सत्ता पर कब्जा जमा के रखा। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटमन एम्पायर, जिसको आज के समय में हम लोग तुर्की नाम के देश देश के नाम से जानते हैं, खलीफा थे मुस्तफा कमाल पाशा। अच्छे आदमी थे। मैं दिल से चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुस्तफा कमाल पाशा जैसा बने तो शायद इस मुल्क की भी तरक्की होगी और इस्लाम की भी तरक्की होगी। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, साम्राज्यवादी शक्तियों की जीत हुई, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर विरोधी खेमे में था इसलिए ऑटोमन एम्पायर भी हारा, ऑटोमन साम्राज्य भी हारा जिसके खलीफा थे मुस्तफा कमाल पाशा। 1921 तक आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खलीफागिरी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। मुस्तफा कमाल पाशा खुद चाहते थे कि खलीफागिरी खत्म हो और तुर्क साम्राज्य अब तुर्क गणराज्य बन जाए, जो कि बन भी गया। और इस प्रकार से तुर्की के खलीफा का अंत हुआ, इस्लाम के खलीफाओं का अंत हुआ और नियमानुसार तुर्की एक लोकतांत्रिक देश बन गया। जो खलीफा है उसने लोकतंत्र को स्वीकारा, लेकिन ये बात ना अरब को पसंद आई और ना दुनिया भर के मुसलमानों को। नतीजा ये हुआ कि खलीफा जिन्हें इस्लाम का रहनुमा समझा जाता था उनके पक्ष में पूरी दुनिया में विद्रोह होने लगे। दुनिया भर के मुसलमान ब्रिटिश गवर्नमेंट से बगावत पे उतर आए। स्पष्ट सी मांग थी
कि खलीफा के पद को फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि इस्लामिक सत्ता का जो वारिस है वो सिर्फ खलीफा है। विद्रोह की यह आग भारत में भी लगी और भारत में इसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। अगर 1921 के खिलाफत आंदोलन पर नज़र डालें तो ये समझने में देर नहीं लगेगी कि महात्मा गांधी का भी भारतीय राजनीति में पदार्पण इसी समय पर हुआ। 13 अप्रैल सन 1921 जलियांवाले बाग हत्याकांड की दूसरी बरसी, असंतोष पूरे देश में व्याप्त था, जिम्मेदारी महात्मा गांधी पे थी, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। और फिर यहीं से एक विचारधारा पैदा होती है जिसके माध्यम से वो पहला मौका हिंदुस्तान में आता है जब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू होती है। गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के बारे में सोच रहे थे, कांग्रेस उनके साथ थी, आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर होना था, लेकिन एक जो दिक्कत थी वो दिक्कत ये थी कि मुसलमान इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे। कांग्रेस को अपनी सेकुलर छवि भी बचानी थी, गांधी जी को पूरे देश को साथ लेके भी चलना था। इन्हीं सबके बीच एक विचार आया और वो विचार ये था कि क्यों ना असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को एक साथ मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। भारतीयों की दुश्मनी अंग्रेजों से है, जलियांवाला बाग का बदला लेना है। प्रथम विश्व युद्ध में हमारी सेनाओं ने ब्रिटिश फौज की तरफ से लड़ाई लड़ी है, 1 मिलियन से ज़्यादा सैनिक लड़ने के लिए गए हैं, उसके बाद भी आज़ादी का वादा पूरा नहीं किया गया। दूसरी तरफ मुसलमानों के दिल में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत की आग जल रही है। बस फिर क्या था, दोनों को एक कर दिया गया और एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको कहा गया असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। मुसलमान अपने खलीफा को बचाने के लिए लड़ेगा, हिंदू अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़ेगा। दोनों की ही दुश्मनी अंग्रेज़ों से है, इसी बहाने कम से कम ये दोनों एक मंच पे तो आएंगे और देश के लिए एक साथ लड़ेंगे। विचार बिल्कुल ठीक था, लेकिन इतिहासकारों में आज भी इस बात को लेकर मतभेद है कि खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से निकला था या असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन का एक अंग था, एक पार्ट था। यह मेरा निजी विचार है कि असहयोग आंदोलन नाम की इस देश में कोई चीज़ नहीं थी, इस देश में चल रहा था सिर्फ खिलाफत आंदोलन जिसकी बुनियाद मुस्लिम तुष्टीकरण पर टिकी हुई थी। बाकी सारे देश प्यादों की तरह सैनिकों की तरह लड़ रहे थे। गांधी जी जैसा बैरिस्टर, वन ऑफ द बेस्ट आइडियोलॉजी इन द वर्ल्ड, अच्छी तरह पता था उनको कि तुर्की की सत्ता दोबारा बहाल नहीं होगी, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में यह आंदोलन चल रहा था। इसी बीच नागपुर का एक शख्स महाराष्ट्र में, जो कि पेशे से डॉक्टर था, नाम डॉक्टर केशव राम बलिराम जी हेडगेवार, डॉक्टर साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके दिमाग में एक विचार आया, एक खलीफा को बचाने के लिए
पूरी दुनिया का मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ रहा है, हिंदुस्तान में भी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी शख्स जो कि मुसलमान है, उसकी आस्था, उसका विश्वास कुछ भी हो सकता है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी है, अमेरिका में अमेरिकी है, ब्रिटेन में ब्रिटिश है, फ्रांस में फ्रेंच है, ये उसकी आस्था है। लेकिन जब आप उसकी संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले मुसलमान का कल्चर सिर्फ एक है, और वो है सऊदी अरब, वो है तुर्की का खलीफा। तो क्या विभिन्न देशों में, विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले हिंदू जिनकी आस्था कुछ भी हो, उनकी भी संस्कृति एक नहीं हो सकती? और वो संस्कृति है भारतीय संस्कृति। ये विचार अपने समय का इतना बड़ा और आधुनिक विचार था कि शायद आम आदमी को समझ में नहीं आया, और जिन राजनेताओं को समझ में आया उन्होंने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि अब हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो चुकी थी। अपने इसी विचार को आगे बढ़ाया, हिंदुओं को सांस्कृतिक रूप से एक करने के लिए, ठीक उसी तरह जिस तरीके से पूरी दुनिया के मुसलमान सांस्कृतिक रूप से एक हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। डॉक्टर केशव राव बलिराम जी हेडगेवार ने 27 सितंबर सन 1925 को नागपुर में 5 स्वयंसेवकों के साथ एक शाखा लगाई, और इस प्रकार से संघ की स्थापना हो गई। आज 100 साल बाद अगर इस विषय पर यह चर्चा हो रही है, तो उसका कारण सिर्फ ये है कि तुर्की तो आज भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हालांकि आजकल वहां पे एक रेडिकल गवर्नमेंट है। हाजिया सोफिया वाले केस में आपने देखा कि फिर से एक बार वही प्रयास किए जा रहे हैं जो आज से 100 साल के पहले संभव थे। पूरी दुनिया के मुसलमान आज भी सांस्कृतिक रूप से एक हैं, उनकी आस्था, उनके विश्वास भले ही अलग अलग हों, लेकिन क्या पूरी दुनिया के हिंदू सांस्कृतिक रूप से एक हैं? उत्तर आज भी है ना, नो। तो क्या डॉक्टर साहब का सपना पूरा हुआ? नो। संघ बस इतनी सी चीज है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बस इतनी सी चीज है। आपकी आस्था, आपके विश्वास से न किसी को कोई दिक्कत थी, न किसी को कोई दिक्कत है, और ना होगी। लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम जिस देश में रहते हैं, जिस मिट्टी में पले बड़े हैं, जिस मिट्टी का कर्ज हमारे ऊपर है, उससे जुड़ाव होना चाहिए। जो नक्शा आप हिंदुस्तान का देखते हैं, अखंड भारत के नाम से जिसे प्रचारित किया जाता है, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, तिब्बत का कुछ हिस्सा, म्यांमार का कुछ हिस्सा, श्रीलंका आता है, ये नक्शा कोई कोरी कल्पना नहीं है। इस नक्शे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदुस्तान एक दिन फिर से इन देशों पर कब्जा कर लेगा। इस नक्शे का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो देश और प्रदेश इस नक्शे में दर्शाए गए हैं, वहां रहने वाले लोग सांस्कृतिक रूप से आज भी भारतीय हैं, उनके आस्था, उनका धर्म, उनका विश्वास अलग अलग हो सकता है, और अगर सांस्कृतिक रूप से वो भारतीय ना होते तो इंडोनेशिया जैसा देश आज इस दुनिया में ना होता। इंडोनेशिया
नाम में ही जिसके इंडो लगा है, इंडो का सीधा सा मतलब है इंडस, सिंधु की पैदाइश है वो। कई राजनेताओं को अपने बयानों में आप कहते सुनते पाते हैं कि भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं, भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं, बड़े बवाल होते हैं इन सारी चीज़ों पे। भारत में रहने वाले सब हिंदू से सीधा सा तात्पर्य है कि सांस्कृतिक रूप से हम एक हैं, और हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। 2008 की सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन मेरे जीवन की शायद सबसे अच्छी डेफिनेशंस में से एक रही कि हिंदुइज्म इज नॉट एनी रिलीजन, हिंदुइज्म इज द वे ऑफ लिविंग, ये जीवन जीने की कला है, और जो इस कला से जीवन जीता है वो हिंदू है। और रही बात भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि हिंदू राष्ट्र से तात्पर्य क्या है। लेकिन फिर भी कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी क्लियरली से सेक्युलर एंड इज इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पंथ निरपेक्षता भारत की नींव है, पंथ निरपेक्षता भारत की आत्मा है, संविधान की प्रस्तावना है, कोई खत्म नहीं कर सकता। भारत सदियों से सेकुलर था, है और रहेगा। कई सारे शब्द ऐसे हैं आज की मेरी इस बात में जिनके मतलब, जिनके मायने बहुत बड़े हैं और जिनके पीछे की कहानियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। दोबारा कभी चर्चा करेंगे इस बात पे। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। जय हिंद।